संभल थाना कैला देवी क्षेत्र अंतर्गत खिरनी गंगा एक्सप्रेस पर काम कर रहे मजदूर राजकुमार पुत्र राजेंद्र निवासी करेली थाना कोतवाली संभल के 29 जून को समय करीब 2:30 बजे काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर परिजनों ने कार्यवाही की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी। लेकिन मृतक के परिवार जनों का कहना है कि अभी तक कोई सुनवाई या कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आपको बता दें कि 29 जून को CDS इंफ्रा प्लांट पर काम करते समय एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने SP से प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन उनका आरोप है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसको लेकर आज CDS इंफ्रा प्लांट पर धरने पर बैठ गए। नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? ये यहाँ CDS पर धरना दे रहे थे, किस बात को लेकर के दे रहे थे? इन्होंने साफ आश्वासन दिया है। किस मामले में बैठे थे आप? बच्चे के। क्या हुआ था बच्चे के साथ? बच्चे का साफ साफ करंट से खत्म हो गया। करंट से मौत हो गई थी? कब हुई थी ये मौत? जी भाई संडे में। कितने दिन हो गए? तो इन्होंने CDS वालों ने क्या आश्वासन दिया था? इन्होंने किया कि इसके वो करो, हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे। क्या सोचेंगे? बच्चे के टाइम कोई आर्थिक मदद के लिए? किस लिए? हाँ, मदद के लिए बोला था। तो अब क्या कहना है इनका? तो कुछ ना कह रहे, अब तुम कह रहे हैं आ जाइए, कल आइयो, 2 दिन बाद आइयो, 4 दिन बाद आइयो। अच्छा, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। जी जी, तो आश्वासन दे रहे हैं। तो इस मामले में किसी से आपने जो है शिकायत करी? किसी अधिकारी से शिकायत करी आपने इस बारे में? डीएम साहब से करी थी। तो डीएम साहब ने कोई आश्वासन दिया आपको? डीएम साहब बोले कि हाँ होगा। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।